सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चुनेंगे। दर्शकों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं गैंगस्टर समाचार टीवी से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं सांबा जिले की सीमावर्ती तहसील रामगढ़ के सीमावर्ती गांव केसो मनासा में, और मैं आपको बता दूं कि यहां के जो स्थानीय एक व्यक्ति हैं पवन कुमार उर्फ काला, वो रविवार शाम से लापता हैं, जिनका 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग जो है वो नहीं मिला है। उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन भी जो है वो चलाया जा रहा है। स्थानीय लोग, पुलिस प्रशासन, अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ जो से यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र है वो वहाँ पर उनको ढूंढ रही हैं, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सुराग नहीं। जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पवन कुमार की है, और हम ये अपील करते हैं सभी से कि जो भी दर्शक इस खबर को सुन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पवन कुमार अगर कहीं भी किसी को दिखाई दे तो वो तुरंत जो है वो PCR सांबा पुलिस स्टेशन रामगढ़ या केसो मनासा से किसी से भी संपर्क कर इसकी जानकारी जो है वो दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि घर से वो खेतों में धान की फसल को पानी लगाने के लिए निकले थे, और जब हालांकि उनकी अपनी पत्नी के साथ रात को 9 बजे के करीब भी बात हुई है, और जब देर रात तक वो नहीं पहुंचे तो उसके बाद उनको तलाशना जो है परिजनों ने, स्थानीय लोगों ने शुरू किया, लेकिन वो नहीं मिले। और रात को 1 बजे के करीब उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो जहाँ पर वो पानी लगाने गए थे वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर जो है हमें मिला है। और उसके बाद उसकी चप्पलें जो है वो आज सुबह गांव के पास से बरामद हुई हैं, और सुबह से ही उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। हालांकि इस संबंध में परिजन जो हैं उन्होंने रामगढ़ पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित शिकायत जो है वो भी दर्ज करवाई है। इस समय अगर बात करें तो SDPOB पर रोहित कुमार और थाना प्रभारी रामगढ़ जसविंदर सिंह जो है वो भी इस इलाके में है, और जो डिच लाइन का 7 का एरिया लगता है वहाँ पर इस समय तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, और पवन कुमार की तलाश जो है वो की जा रही है। तरकेसी थोड़े बड़े भरा पवन और लापता कल क्या आखना चाहते हो, क्या गल की जानकारी थोड़ी जी? सर कल पंप सैट भरा थे पानी लाने, तो 8 बजे बाद बाद सू कॉल की एक दो 9 बजे तक लास्ट कॉल की, पर फोन उस टाइम अटेंड किया उन्हें, वो बाद फिर मतलब फोन नहीं चुका कोई साढ़ा, तो बस वो काफ़ी छानबीन की उधर उधर दाए मैं पुलिस ने सा काफ़ी फिर रोल किया, तो हूँ तक मतलब लापता ना कोई कुछ किसी का सुराग नहीं है। धन्यवाद। नहीं जी बताइए क्या हुआ? देखिए मैं नरेंद्र शर्मा पूर्व पंच, बड़े दुख की बात है कि हमारा साथी जो है, क्योंकि बहुत साफ छवि का आदमी था पवन कुमार जी, और वो पेंटिंग का काम करते थे, मगर हमारे साथ वो पंचायत में अच्छी तरह से पंचायत चलाने में हमारे सहायक थे। और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल से वो अभी तक मिले नहीं हैं। रात को अपने खेत में पानी लगाने के लिए गए थे, क्योंकि इस वक्त बिजली भी कम आ रही है, बारिश भी कम हो रही है, तो सभी किसानों को जाना पड़ता है। तो शाम को वो घर से निकले पानी लगाने के लिए, और बाद में अभी तक कोई पता नहीं उनका चला। उनका मोबाइल मिला है, उनकी चप्पलें मिली हैं, और इस तरह के इंसान नहीं थे कि किसी के साथ उनका कोई हो, कि कोई झगड़ा नहीं कोई किसी के साथ, और बड़े प्रेम भाव से रहते थे। तो हमें तो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। इतना शरीफ आदमी भी इस तरह, कोई हमें तो लगता है कोई किडनैपिंग का केस लगता है, जैसे कि नंदपुर में ऐसी घटना कल आया, रात को घटी है 5 बजे, इसमें जो वहाँ से भी कोई लड़का भाग के आया है, और हो सकता है कि वही कड़ी उसके साथ जुड़ती हो। तो भगवान करे कि वो मिल जाए तो पूरा गांव जो है खुश रहे, और वो मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि भगवान करे वो अभी अभी घर आ जाएं, तो परिवार को भी खुशी मिले और पूरे गांव को भी।